प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश हुई है। सबसे ज्यादा कोटा संभाग में बारिश हुई है। बारिश के बाद राज्य के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बादल छाए रहने से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश कोटा में 20.2 mm दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अभी भी पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। बाकी शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 10 जनवरी से सिस्टम का असर पूरे राज्य से समाप्त होगा और फिर से अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में लगातार बने रहे बादल और कहीं कहीं हल्की बारिश से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम शुष्क रहा है और कहीं कहीं घना कोहरा भी दर्ज किया गया है। आगामी 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज किया जा सकता है और दिन का अधिकतम तापमान औसत से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं नीचे दर्ज होने से शीत दिन की परिस्थिति बनी रहने की संभावना है।